नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे दगड़ियों। तो कौन छो आप लोग? उम्मीद कर दो कि आप लोग भी ठीक ठाक ही वेला, राजी खुशी वेला। तो आज सुंदर सी ब्लॉग आप लोग लेकर आना छो मैं। तो अब खड़े हुई छो मैं नन सुधार यानी नन स्कूल सुंदे। तो ये हो पूर्व माध्यमिक विद्यालय। तो चलो आज आप खूबसूरत विद्यालय सैर कराऊंगा और ये विद्यालय में क्या क्या चीज़ खास छीन, पलायन होना बावजूद भी, बांदरों बावजूद भी कई चीज़ें इन होंगी ना जो दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं। तो चलो ये विद्यालय में चल रहा चलो। तो मैं पिछले आप खूबसूरत से विद्यालय देख सकते हो नन सुक। ये विशेषता मैं बता चुका आप थे कि हमें विद्यालय तो छह चे। तो दुर्भाग्य सिर्फ एक ही हो कि यह छिन छात्र 13 छात्र छिन कुल और 4 शिक्षक छिन एक। तो चलो मिलान छू मैं आप लोगों थे सब थे और दिखा छू कि ये विद्यालय में खनखन से क्या क्या। तो सर्वप्रथम आप खेती देख सकते हो। सबसे पहले ये राई च, ये प्याज, ये छूछणा वगैरह और यो चो धनिया वगैरह। आप देखो हम लोग कंटर वगैरह की कर दो फेंक दे दो या इना होना कबाड़ी बोलते दे दो। तो यू ना ये चीज़ें सदपयोग कर। देखो ये मैं बीज तैयार करी खाद डालीगन वो भी एकदम मतलब जो घर में जनाव कर दे चो इना डिस्पोजेबल गिलास छीन यहाँ भी मिस यूज नहीं करी चो। यहाँ में भी लगोला अंकुरित करना कौन यू मतलब बीज उत्पन्न करना कौन रखें छीन अभी। दगड़ में आप तो देखा जाए लहसुन तो काफ़ी लंबे चौड़ो हम प्रांगण प्रांगण के अग्नि विद्यालय के अग्नि बगीचा आप देख सकता। तो विद्यालय अग्नि अग्नि प्रांगण मैंने आपने दिखा ची ये विद्यालय के पिछले प्रांगण और ये देखो पूरी सब्जी धनिया से लेकर राई पालक वगैरह मेथी देख सकता पूरी मतलब मेहनत करी ची। और सबसे अच्छी बात देखो इधर को गोभी अभी शुरुआत जमनी ची और बड़ा बड़ा 1 किलो 1.5 किलो तक भी यह हुए जान गोभी। तो मेहनत कराने पर क्यों नहीं हूँ देख सकता आप। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आप मतलब यू विद्यालय देखेगा ना हृदय एकदम गदगद हो गई। अच्छा धन्यवाद सर धन्यवाद। तो सबसे पहले आप दर्शकों से आप नाम और आप पद बता दो। मेरा नाम महेश चंद धसवाना है और मैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नानसु में प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। तो गाँव का क्या समय? मेरा गाँव इधर चौंदकोट में मरड़ा गाँव है मेरा और मैं वर्तमान में 2018 से यहाँ पर इस पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे लगे थे मीन बाल विद्यालय में मार्च सरस्वती जो प्रांगण से मीन बाल शुरुआत में यकी बड़े कैट दिन थे। बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा आपको और आप एक मिसाल देना छो कि मतलब विद्यालय में भी खेती हो सकी जबकि आजकल लोग बहुत बाना माना छिन की मतलब बांदर होगी ना। प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है बस आदमी की इच्छा शक्ति जागनी चाहिए और उससे जो है सभी कार्य जो है संपूर्ण सफल हो। तो इन तरफ भेज जुड़ गए। भाई नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप नाम गाँव का नाम और आप विद्यालय में पद क्या छो? मेरा नाम नवीन निकी छो और गाँव में ग्राम डांग छो और जूनियर हाई स्कूल नाम सुनमी सहायक अध्यापक छो सामान्य। तो खेती देखिए एक तो मजा आएगा मतलब ये हमारे हम जो हम एक हम रहना हाँ हम लोगों को जो तो टाइम पास हो जान और लोगों को एक प्रेरणा छो कि बान निबाणी कि गुणी छन बांदर छन कन पर सबको छन न कानक जो छो न कनक लाख बान होने हमारे एक उदाहरण छो। आप तो हर प्रकार की सब्जी मिले ले हाँ जी हाँ जी देखिए राई पालक गोभी फूल गोभी पत्ता गोभी छूचना लहसुन धनिया बीन्स और ये प्याज जो आजकल की सब्जी है और ऐसा जो सब्जी होंगे एक हमारे पौध तैयार करी जा शिमला मिर्च बैंगन लंबा बैंगन टमाटर भिंडी मूली हमारे से तैयार होने से गोल मूली राई ये ऐसा वास्ता बेल छूचना करेला लौकी तोरी और कद्दू ये सब हमारे पौध तैयार करें। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि विद्यालय में कितना बच्चे वगैरह छे मतलब स्टाफ हमारे बच्चे अभी छात्र संख्या हमारे 6, 7, 8 वहाँ 12 बच्चे छे ना। अच्छा 13 बच्चे छे ना। 13 बच्चे छे टोटल जी। तो यहाँ सबसे बड़ा रीज़न क्या है मतलब एक क्षेत्र काफ़ी बड़ो छो जी जी है ना मतलब दूर दूर काफ़ी गाँव जुड़े छे अब विद्यालय भी अच्छी छे जी जी। तो के कारण छे मतलब इन वहाँ जो बच्चा कम होगी एक सबसे बड़ा कारण छे ये जो पलायन को कारण छे और दूसरा कारण नज़दीक में डांगी धारी स्कूल भी छे। अच्छा और खैर जूनियर हमारे में छा 3-4 गांव में जो पॉपुलेशन छ बहुत कम छ गांव में लोग ही नहीं छन। अच्छा गांव खाली हो गया तो ये कारण मतलब विद्यालय में कम बच्चे छ ही छन दी प्राइमरी छ ने तो दी प्राइमरी में 4-4 बच्चे छन बटे गया मतलब बटे गया जी। तो कई जगह में गया छो तो स्कूल बंद होने का कगार पर भी छिन जी जी बहुत कारण छन भौगोलिक कारण भी छ और जो जब हम उत्तराखंड बनी तो उत्तराखंड जय उद्देश्य से बन जा
वो उद्देश्य धरातल पर वो हाँ वो साकार निवेशक सपना मतलब लोग सब पलायन करना देहरादून हल्द्वानी खुरद्वार जो पहाड़ का वास्ता हूँ कुछ नहीं हूँ इन तरह वे गुरु जी हॉट जुड़ गए गुरु जी नमस्कार नमस्कार सर सर्वप्रथम आपका नाम मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं हाँ जी हाँ और आपका गांव अगरोड़ा अगरोड़ा जी जी अगरोड़ा ये गाँव की अगरोड़ा ही अच्छा मेन प्रॉपर अगरोड़ा प्रॉपर अगरोड़ा हाँ जी अच्छा चलो तो विद्यालय में कन कन की क्यों बताया मैं थे कि ये कम वही 25 साल अच्छा 25 साल होगी ना 25 साल से मैं ये कम छाऊँ अच्छा और काफ़ी अच्छा विद्यालय छा हमारो हमारो विद्यालय मतलब पूरा कलजी खालम सबसे शिक्षम भी सबसे फर्स्ट विद्यालय जूनियर स्तर में और आप देख सकते हैं सब टीचरों की मेहनत कहीं चा हाँ जी साग सब्जी भी बहुत हाँ, मतलब आप लोगों में लोग कि एक हिरन शायद विद्यालय में फुल फुल मिंद नहीं रहनु अच्छा गुरुजी रहनी अच्छा रहनु जी मतलब देखभाल करना कोनो भी इंसान चेंज नहीं लगो ना इन तरफ ये खूबसूरत विद्यालय में एक गुरुजी और जुड़ गए तो गुरुजी नमस्कार नमस्कार जी तो आपका नाम और आपका गाँव नाम जान चलो मेरा नाम सुशील चंद्र जी अच्छा मेरा गाँव नो ग्राम पाल से भीमली तल्ली पैडल चूमा अच्छा पैडल चूमा आपका गाँव हाँ मैं था एक भी त्याई साल होगी अच्छा आप तो भी त्याई साल हो जी 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 हाँ 2000 ही कमे छमी को आप इन लगो तो वाली विद्यालय के मतलब पूरा अपने घर ही हाँ नहीं ये तो हम अब इन ढबियाँ के मतलब बहुत रम यहाँ कम अब विद्यालय हम तो बहुत बढ़िया लगता और पहले तीख मतलब चार दीवारी चाहिए जब मैं शुरू शुरू में ही कहे छो हाँ जी तो मेरा आन पे मतलब हमारा आने के बाद ही मन काफ़ी आप सहयोग दिया सहयोग दिया हाँ और ये दीवार वाल लगवाई उकारी और ये बाग बगीचा बढ़वैनी फूल लगवैनी ये सब जो जो अपनी मेहनत से करिए मन तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप इन्हें मेहनत करा रहे हैं और जब भी आप मतलब पहला पर रिटायरमेंट उम्र हो गया मेरे हिसाब से है ना हाँ लेकिन फिर भी आप प्रेरणा देना चाहो उन शिक्षकों तक जो फर्राना जिन बाइक में और अपन काम काज कर रहा है बस सीधा घर हाँ विद्यालय मतलब जब जाम जबर भी कहा कल दिखा हम जब सपनों को उड़ान होनी चाहिए या मतलब जो भी कार्यक्रम हो जाए हमारे विद्यालय प्रथम आज चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप होना ठीक ठीक और नमन कर दूँ आप सब गुरुजनों थे जी 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 और ऑल उन टीचरों थे भी संदेश देना चाहूँ छो कि कुछ ग्रहण करे अगर वीडियो के माध्यम से अगर कोई गुरुजन लोग दिखना वाले हैं वीडियो जी 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 चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो इन तरफ जुड़ गई छोटी बुल्ली हमारे छात्र छात्राएं छिंजु ये विद्यालय का तो छोटी सबसे पहले अपना नाम बताओ मैं नाम सुहानी जोर से बोलिए जरा सुहानी सुहानी कदम पढ़ दी आठम अच्छा ये एट्थ क्लास हम घुसू जमे जरा आपका नाम बोली अंकिता अंकिता गांव कोच बड़ेत बड़ेत कोल बड़ेत अच्छा समीण फरीद जी आई छोटी बोली तुम्हारा नाम रचना नेगी रचना नेगी अच्छा तो यहाँ बताओ विद्यालय तुम तक कहाँ लगो सर अच्छा अच्छा अब पढ़ाई लिखाई कैसे होती है यहाँ सर बहुत अच्छी अच्छी होती है जी तो फर्स्ट कौन आता है तुम तीनों में से मैं न्यू न्यू आई हूं अच्छा न्यू तो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे आप बाल शिक्षा निकेतन बड़े बैंड अच्छा वहाँ भी है विद्यालय अच्छा तो वहाँ कितने तक है विद्यालय बड़े एट तक अब फिफ्थ तक हो गया अच्छा अब घट गए तो ये देख लिया दुर्भाग्य है कि आठ तक जो विद्यालय है वो आप पाँच तक हुई है वो एक मेन कारण है पलायन तो चलो बाय कर दो सबको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको ना तो अपन ये विद्यालय देखे वाले विद्यालय छा यू नंसो तो अभी यख में जो मैं खड़ो हूँ विद्यालय के बगल पर तो यू विद्यालय पोड़ जान ब्लॉक कलजी खाल में पट्टी पोड़ जान कफोल छू और गाँव का नाम छो नंसो तो वही गाँव नाम पर यू विद्यालय पोड़ गया नंसो गाँव तो आप देख सकते हो कि कितना एक एक मतलब एक अगर मैं वन लैंग्वेज में बोलूँ तो किचन गार्डन जो कि विद्यालय में किचन गार्डन होना जरूरी है मोदी जी ने बोल और यू काम रहेगा भोजन माता जो मतलब भोजन माता छे ना
क्यों काम रहें कि बच्चों थे ताजी सब्जियां पढ़ किचन गार्डन का विद्यालय का वो खले जा मतलब मिड डे मील जो खाना बन दो विद्यालय में घर गाँव में तो ऊ चीज है। तो मन मतलब मैं इन मैं जानू आज कई के गाँव में इन बगल फर एक गाँव तिमरी तो वक जानू है तो रास्ता में खूबसूरत से विद्यालय पढ़ मैंने बल्दी को चो तो जमीन देख कि इतना मतलब उतना खेती गाँव में नहीं हुई जितना खेती है विद्यालय में हुई है। धन्य गुरुजियों को कि जो मतलब इतना देख रेख कर दें एक लड़का भी रखी हुई काम वाम करना खुण तो देखो वहाँ से कि फ़ायदा होना एक तो आपते शुद्ध साग सब्जी मिल जानी दूसरा एक एक इंसान थे रोज़गार मिल जानो जो लड़का वह काम कर दो मतलब चाय पानी बनान खाना वाना बनान और मतलब वन चीज तो वह एक बंदा थे रोज़गार मिल गया। तो ये सब बड़ी बात की वजह से कि तो एक मतलब एक संदेश है कि मतलब आप लोग भी देखा इतना अच्छा खूबसूरत विद्यालय है तो कभी अला इना तरफ तो जरूरी है विद्यालय में और धन्य टीचर रखो जो इतना प्रयास कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग। तो चलो ब्लॉग थे कर दो मैं मे एंड तो मिल जाओ आपते नेक्स्ट ब्लॉग में तो अभी जानसो मैं तिमरी गाँव तो तिमरी गाँव ब्लॉग मिले आपते नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।